हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वन फोर टेक इंडिया। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि जीएसटी नंबर वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इसे चेक करने के यार देखो दो मेथड हैं, एक तो होता है बिजी सही और दूसरा होता है कि हम जीएसटी पोर्टल पर जाके चेक कर ले। जीएसटी गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिससे हम चेक करते हैं, मतलब बेसिकली उससे चेक नहीं करते हैं, वहाँ पर रिटर्न वगैरह फाइल की जाती है, लेकिन हम वहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई जीएसटी नंबर एक्टिव है या इनएक्टिव है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो हम उनकी टर्नओवर वगैरह भी चेक कर सकते हैं वहाँ से, जो कि एक एस्टिमेट आइडिया बता देता है हमें कि क्या टर्नओवर है। तो अभी हम पहला मेथड देखेंगे कि हम जीएसटी पोर्टल पर जाके कैसे चेक करें, क्योंकि दूसरे मेथड में ये होता है कि जो बिजी है वो लेटेस्ट वर्जन में ही चेक हो पाता है कि एक्टिव है या नहीं, जो पुराना बिजी का वर्जन है उसमें चेक नहीं हो पाता। जैसे कि 18-19 में चेक नहीं कर सकते हम, लेकिन जो उसके बाद का है 20-21 उसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों मेथड करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं पोर्टल वाला मेथड करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बिजी वाला मेथड करके दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। मैंने न्यू विंडो ओपन कर ली है। अब यहाँ से हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है जीएसटी पीओआर पोर्टल। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो हम यहाँ से इसे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। ये जीएसटी पोर्टल की जो पहली वेबसाइट है उसे ओपन कर लेंगे। अगर जीएसटी नंबर है हमारे पास तो हम इसे यहाँ से लॉगिन कर देंगे, और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पाएंगे सर्च टैक्स पेयर। यार देखो, अब हम यहाँ से ना दो तीन चीज़ों से चेक कर सकते हैं कि जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं। अगर आपके पास उसका पैन कार्ड नंबर है, जो प्रोप्राइटर है या फिर जो फर्म है उसका, अगर हमारे पास पैन कार्ड नंबर है तो हम उससे उसका जीएसटी नंबर भी चेक कर सकते हैं और वैलिड और इनवैलिड भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि एक्टिव या इनएक्टिव। और अगर हमारे पास सिंपली जीएसटी नंबर है और हमें उसको एक्टिव या इनएक्टिव चेक करना है तो हम यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले जीएसटी नंबर से चेक करा देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे अब जीएसटी नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ जो नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो टाइप करना है। उसके बाद हमें सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है। तो देखो ये सर्च हो गया और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये एक्टिव है, और यहाँ से हम एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो और यहाँ पे हमें ये भी शो हो जाता है कि कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, और यहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग भी देख सकते हैं कि रिटर्न टाइम पर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोपराइटर से पे यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो हम इसे लॉगिन करके इनकी टर्नओवर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यार देखो, अब ये ना दो चीज़ों में काम आ सकता है आप लोगों को, एक तो एक्टिव इनएक्टिव चेक करने में काम आ सकता है, और दूसरा जब भी हम कोई बिल वगैरह बनाते हैं और कोई नया जीएसटी नंबर मिलता है तो हमें उसका एड्रेस वगैरह पूरा टाइप करना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप यहाँ पे आके जीएसटी नंबर सर्च करो सबसे पहले, उसके बाद जो कंपनी का नेम है यानी कि फर्म का जो नेम है वो यहाँ से कॉपी करके, और जो एड्रेस वगैरह वो कॉपी करके अपने बिजी में सेव कर लें। और इससे ये होता है कि गलती की जो गुंजाइश होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब देखो मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये नंबर था, अब हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं ओपन करता हूँ अपनी कंपनी को। तो यार देखो, जो हमने ये डेमो कंपनी बनाई हुई थी, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैं फिल कर देता हूँ। कंपनी ओपन होने में 1-2 सेकंड का टाइम लग सकता है। अब देखिए, हमें सिंपली मास्टर्स पे जाना है सबसे पहले, और अकाउंट्स पे जाएंगे हम और ऐड पे जाएंगे। तब देखिए, हमें यहाँ पे जो जो डिटेल्स भरनी होती है सारी डिटेल्स हम जीएसटी पोर्टल से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका नाम उठा लेते हैं पोर्टल से, जो कि है रियल टेक इंडिया। तो हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ये हमने पहले ही सेव किया हुआ है ये बता रहा है। तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार। जैसे कि हमने रियल टेक इंडिया नाम पहले ही सेव किया हुआ है, लेकिन जीएसटी नंबर कुछ और डाला हुआ है। तो अब हम इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं जो जेन्युइन है। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था चेक करने का, वो ये है कि हम यहाँ से वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वार्निंग टैब ओपन हो गया, जीएसटी इज सेम एज कंपनी जीएसटी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। तो हम इसे यस कर देंगे। तो
तो देखिए ये टैब ओपन हो गया, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, जीएसटी नंबर, स्टेटस एक्टिव और लीगल नेम, ट्रेड नेम, कंपनी कहाँ की है, टैक्स टाइप क्या है, प्रोप्राइटरशिप और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिलिंग, फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे, हर चीज़ बता रहा है यहाँ पे। तो इसे हम ओके कर देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि हम फिलिंग फ्रीक्वेंसी अपने अकाउंट मास्टर में अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। तो इसका सिंपली हम यस भी कर सकते हैं, अल्ट वाई करके। तो इसका फिलिंग फ्रीक्वेंसी अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंटर पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर गलत है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और आप अपने से एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो मैं थोड़ी छोटी बना रहा हूँ, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का जो पहला टैब था जो सबसे पहले ओपन हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और हम अपनी कंपनी भी अच्छे से सेट करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहें और जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। Thank you.